मेरा नाम है अरुण और आज हम ड्राइंग करेंगे एक ऑयल पेस्टल सीनरी जो कि होगा बर्ड्स। एक ड्राइंग करेंगे बर्ड सीनरी, कुछ बर्ड्स ड्राइंग करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखो, और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो, और ये न्यू सेटअप हमने किया अभी रिसेंटली, तो आने वाले टाइम पे कुछ और भी अच्छा आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए एक नॉर्मल सा एक सीनरी हमने ड्राइंग किया, जो बिगिनर है ऑयल पेस्टल सीखना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पूरा वीडियो देखो, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे नॉर्मल सा जो पेपर है वो यूज़ किया है, आर्ट पेपर। और यहाँ पे हमने 2B पेंसिल से इसे हम ड्राइंग अभी कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मास्किंग टेप से हमने चारी साइड में बोर्ड पे ऊपर लगाया है, और काफ़ी इजीली हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे 3 डार्क बर्ड ड्रॉ किया है। यहाँ पे 3 डार्क को हमने काफ़ी इजीली हमने ड्राइंग किया है, और ऊपर के साइड 2 बर्ड्स हमने ड्राइंग किया है जो एक नॉर्मल सा बर्ड्स होते हैं, तो देख सकते हो। तो नॉर्मल जो बर्ड्स है, ये सीनरी है एकदम, ये बर्ड सीनरी बोल सकते हो। तो इस तरह की ड्राइंग बहुत सारे बिगिनर जो है खूब मतलब फाइंड करते हैं यूट्यूब पे। तो हमने एक सोचा एक ड्राइंग कर देता हूँ बर्ड्स का, और किस तरह से ड्राइंग करना है। और यहाँ पे कलर जो है वो काफ़ी नॉर्मल सा चीप जो ऑयल पेस्टल होते उसी से हमने किया, जो 35 रुपीज़ में इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसी से आप ही कर सकते हो। नॉर्मल सा एक आर्ट पेपर यूज़ किया है, और कोई भी जो है हाई प्राइस का कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया है। तो देखो देखो पूरा ड्राइंग तो सीख जाओगे। जो आकाश मतलब स्काई को ड्राइंग करने के लिए ब्लू कलर यूज़ किया है, जो लाइटली लाइट ब्लू, जो कि ऊपर से नीचे तक आपको स्लाइड करके इस तरह से लगाना होता है। उसके ऊपर आप डीप ब्लू यूज़ कर सकते हो, जो कॉबलेट ब्लू बोल सकते हो। डीप ब्लू यूज़ करना होगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस तरह से, आप यूज़ कर लो। अभी हम येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो पूरा जो यहाँ पे येलो है आपको येलो यूज़ करना है इस तरह से, येलो कलर। तो अभी हम जो है ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ अभी, देख सकते हो लाइट ग्रीन येलो के ऊपर इस तरह से आपको लाइट ग्रीन यूज़ करना है। लाइट ग्रीन के ऊपर आप थोड़ा सा जो है डीप ग्रीन यूज़ कर सकते हो। पहले आप अच्छी तरह से लाइट ग्रीन को यूज़ कर लो, उसके ऊपर डीप ग्रीन यूज़ करना होता है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा कुछ और भी कलर यूज़ कर सकते हो जैसे और यहाँ पे देखते हैं जो कि पेंसिल से हमने किया, 10B पेंसिल से ब्लैक कलर यूज़ किया, जो ब्लैक जो छोटा एरिया से उसमें हमने 10B पेंसिल के यूज़ किया है। और जो झोप देख सकते हो वहाँ पे हमने लाइट ग्रीन, डीप ग्रीन और येलो और कुछ ब्राउन कुछ ये दे सकते हो, या ब्लू देख से दे सकते हो आप झोप में। और वाटर में आप लाइट ब्लू और डीप ब्लू यूज़ कर सकते हो, तो उसमें अच्छा सा हो जाते हैं, देख सकते हो। इस तरह से आपको कर लेना है, काफ़ी इजी है जो बिगिनर है उसके लिए, जो ऑयल पेस्टल एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। तो जो बिगिनर है उसके लिए हमने बनाया है, जो ऑयल पेस्टल सीखना चाहते हैं तो ज़रूर ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में तो आपको पैसा नहीं लगता, फ्री है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो ज़रूर मुझे कमेंट करना, तो हम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने येलो के ऊपर जो ब्राउन कलर यूज़ किया मिट्टी में, और अभी हम पेड़ में
जो है ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ अभी, देख सकते हो। इस तरह से आपको ब्राउन कलर यूज़ कर लेना है। और थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो 2 आवर्स का वीडियो है, तो आपको 10 मिनट में दिखाना होता है, नहीं तो आप बोरिंग हो जाओगे। तो फास्ट दिखाना ही मतलब फास्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्पीड हमने बढ़ाया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड से मछली पकड़ने वाला वर्ड्स को क्या बोलते हैं, किंगफिशर, जो इस वर्ड को हमने काफ़ी अच्छी तरह से आप यूज़ करके जो अलग अलग कलर यूज़ करके ड्राइंग कर सकते हो, क्योंकि किंगफिशर जो बर्ड होते वो बहुत अलग अलग कलर का होते हैं, तो आप किसी भी कलर को यूज़ कर सकते हो उस वर्ड में। तो इस तरह से आपको कर लेना है, काफ़ी ईजी एक ड्राइंग है। तो फ्रेंड्स हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी में हमने ग्रीन कलर यूज़ किया उसके ऊपर अभी लाइट ग्रीन ऊपर डीप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो आप वाटर में अलग अलग कलर दे सकते हो, क्योंकि जो ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे पानी में पड़ता है, तो इसी रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए आप थोड़ा सा अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जो ऊपर का जो झोंक की जो नीचे आ रहा है मतलब शैडो आ रहा है वो आपको देखना होता है, तो कौन सी कहाँ पे शैडो होते हैं आ रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो जो डार्क बॉक की जो कलर है वो हम यहाँ दे रहा हूँ। तो डार्क बर्ड्स जो है उसमें आप वाइट कलर सिंपल छोड़ सकते हो, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा येलो कलर यूज़ किया, उसके ऊपर हमने ब्लू कलर यूज़ किया और ब्राउन कलर यूज़ किया, तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो ऐसे में वाइट कलर की जो है डार्क होते हैं, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आपको थोड़ा सा कलर यूज़ कर लेना होगा इस तरह से, तो देखने में भी बढ़िया लगेगा। तो सिंपल वाइट डार्क नहीं करना है आपको, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको इस तरह की ऑयल पेस्टल और भी 100-200 वीडियो आपको मिल जाएगा, तो जाके देख लो और सीख लो। अगर इस ये वीडियो देख कर अगर आपको नहीं सीखने आया मतलब नहीं सीख सकते हो, तो और भी वीडियो है और रियल टाइम वीडियो भी है, एक 1 आवर का वीडियो है तो वो वाला भी देख सकते हो। तो आपको मेरे चैनल पे ऑयल पेस्टल का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो जाके देख लो और सीख लो। और कुछ भी अगर मतलब पूछना है तो मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको दे देंगे और फेसबुक की जो पेज की आईडी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे। तो अगर आपको कुछ भी जानना है तो मुझे पूछ लेना। और इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करना है, और मैं जैसे कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ड्राइंग सिखाता हूँ, तो इस तरह से हमने भी उसी जो भी स्टूडेंट होते हैं इसी तरह से हम उसको भी सिखाते हैं। तो आपको भी जो ड्राइंग नहीं सीख सकते उस जो यूट्यूब देख के सीख रहा है उसके लिए हमने ट्यूटोरियल बनाया है, और आप यूट्यूब देख के ही मतलब बहुत अच्छा ड्राइंग सीख सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा और भी बड़ा वाला वीडियो बनाएंगे, तो थोड़ा सा छोटा एक वीडियो बनाया, तो आई होप आपको अच्छा लगा। तो बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और भी अच्छा वीडियो।